हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप सबको नहीं पता, तो आज मैं आपको सोलर सिस्टम के कुछ 5 फैक्ट्स के बारे में बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, एस्ट्रॉइड विद मून्स। सो गाइस, हमें ये तो पता है कि प्लैनेट्स के मून होते हैं, जैसे मार्स का फोबोस, जुपिटर का यूरोपा, यूरेनस का टाइटेनिया, अर्थ का मून। लेकिन क्या कोई एस्ट्रॉइड है जिसका मून हो? एस्ट्रॉइड के कोई मून नहीं होते, वो तो खुद मून से छोटा होता है। लेकिन एक एस्ट्रॉइड है जिसका खुद का एक मून है, उस एस्ट्रॉइड का नाम है 243 IDA, और उसके मून का नाम है डेक्टाइल। और ऐसा एक नहीं, करीब 150 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनके अपने खुद के मून हैं। सेकंड, मून्स एंड प्लैनेट्स दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। सैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये प्लैनेट सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा बना है, और ज़्यादातर गैसेस की डेंसिटी अब पानी से कम होती है। इसलिए अगर आप सैटर्न को पानी में डुबो दोगे, जो कि इम्पॉसिबल है, तो सैटर्न पानी में फ्लोट करेगा। सैटर्न का एक मून है जिसका नाम है हाइपरियन। हाइपरियन की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से भी आधी है, तो अगर आप इसे भी पानी में डुबो दोगे, जो कि फिर से एक बार इम्पॉसिबल है, तो ये भी पानी पर फ्लोट करेगा। थर्ड, एरिस प्लैनेट। प्लूटो के बाद एक ड्वार्फ प्लैनेट आता है जिसका नाम है एरिस। ये प्लैनेट सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट प्लूटो, जो कि सन से सबसे ज़्यादा दूर है, उससे भी 3 गुना ज़्यादा दूर से सन का चक्कर लगाता है। और जैसे अर्थ को सन का चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, वैसे ही एरिस को सन का चक्कर लगाने के लिए 570 ईयर्स लगते हैं। फोर्थ, फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन येट डिस्कवर्ड। अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा प्लैनेट सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो आप बोलोगे प्लूटो। नहीं, अगर मैं प्लूटो के बाद आने वाले प्लैनेट के नाम बताऊँ, तो वो है चेरॉन, और उससे भी दूर है वेरुना, और उससे भी दूर है मेकमेक। उसके बाद आता है एरिस, उसके बाद आता है 2012 VP 113। लेकिन नहीं, इससे भी दूर एक प्लैनेट है, इसके बाद प्लैनेट आता है सेडना, और फाइनली इसके बाद प्लैनेट आता है V774104। इसको 13 अक्टूबर 2015 में डिस्कवर किया गया था। फिफ्थ, मून लार्जेस्ट देन अ प्लैनेट। जुपिटर के टोटल 67 मून्स हैं, लेकिन गैनीमेडे उनमें से सबसे लार्जेस्ट मून है। जुपिटर का जो ये मून है गैनीमेडा, ये मर्क्यूरी से भी बड़ा है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।